नमस्कार दोस्तों, मैं KRSIHAG असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बादरा, आपने पढ़ रही थी जिला दर्शन। और अपने जिला दर्शन में अगर देखें तो बीकानेर संभाग आपने पूरा कर लिया, अजमेर संभाग पूरा कर लिया, तो आप उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में घूमने लाग रहे हैं, है ना। कभी बीच में आ जावा दक्षिणी पूर्वी पठार, आप अगर हाड़ौती अंचल की बात नहीं करा तो राजस्थान का जो मानचित्र है वो अधूरा रहता है। तो आज आप हाड़ौती अंचल की बात करेंगे, और हाड़ौती अंचल की बात करा तो कई बार आप कभी ने दक्षिण का लोग है भाई कोजा बोतरे, कोजा बाबू, है ना। कोजा बाबू आप नाम देखा तो को से अपने कोटा, झा से झालावाड़, बा से बाना और बू से बूंदी। कोटा, झालावाड़, बाना और बूंदी, ए चार जिला बन गया, अपने एक संभाग बना हुआ है कोटा संभाग। तो शुरू करते हैं कोटा संभाग। कोटा संभाग में हम ऐसे जिले को लेते हैं जिसको राजस्थान का कानपुर, राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान की शैक्षणिक नगरी, राजस्थान के उद्योगों का नगर और राजस्थान का नंदगांव के नाम से जाना जाता है। वो कोई और जिला नहीं, माधो सिंह के द्वारा बसाया गया, बूंदी रियासत से अलग करके बसाया गया कोटा जिला है, है ना। तो अपने पढ़ते हैं कोटा जिला। तो कोटा जिले की मुख्य मुख्य बातें अगर देख लें, अपने कोटा जिले की मेन जो बातें हैं वो कोटा जिले में उमेश सिंह का जो शासन था वो बहुत लोकप्रिय शासन था, और स्थापत्य की दृष्टि से उमेश सिंह ने इतने काम किए कि इसे राजस्थान का या कोटा का सांझा कह सकते हैं अपने, है ना। और ये कोटा के, आधुनिक कोटा के निर्माता हैं। इनके समय सबसे अधिक संगमरमर का यूज हुआ। और भीम सिंह, अरे उमेश सिंह, भीम सिंह, राम सिंह, ए तीन कोटा का सिंह शेर है जगह नापन याद करनो यार, परीक्षा में पक्को प्रश्न बैठो। तो भीम सिंह ये हमारे जब कोटा रियासत का विलय हो रहा था राजस्थान में तो उस समय वहां के नरेश थे, और इनकी जो प्रवृत्ति थी वो बहुत ही साधु प्रवृत्ति के थे। राजस्थान संघ में सबसे पहले मिलने का प्रस्ताव इन्होंने पारित किया और मिले, है ना। तो यहाँ भीम सिंह है, इनकी ये विलय पत्र पे साइन करते हैं, इसको नरेशों में संत और संतों में नरेश कहते हैं। इनकी बेटी थी भुवनेश्वरी, वो भी निशानेबाज थी और ये भी खुद बहुत बड़े निशानेबाज थे, अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हैं। कोटा दुर्ग है, अगर आप कोटा दुर्ग की बात करें तो चंबल नदी के किनारे दुर्ग है कोटा को, और कर्नल जेम्स टोड आप बात कहें कोटा का परकोटा, कोटे का परकोटा माना हुआ है, यानी आगरा के बाद अगर मैंने कोई परकोटा देखा तो वो कोटे का है, यानी कोटा जिले का दुर्ग। यहाँ दर्शनीय स्थल कौन सा है, एक तो झालाजी की वैली है। किसके वैली है, झालाजी, अरे नाम पता लगा झालाजी, है ना, झालगे कण झाले हो जालिम सिंह, अरे जालिम है भाई झाले लोगान, तो जालिम सिंह ने इसको बनाया। और इसकी जो दीवारें हैं, भित्ति है, उस पर आखेट यानी शिकार खेलते हुए चित्र बने हुए, आपको पता है कोटा बूंदी की जो चित्र शैली है उसको हम शिकार शैली की चित्रकला भी बोलते हैं, ठीक है। अरे चार बाग की छत्रिया है जिसका राजा महाराजा शमशान घाट है, शाही शमशान घाट बना पा के कहा छत्रबाग, चार बाग की छत्रिया। दशहरा को मेलो थान ध्यान है, कोटा में दो चीज बहुत फेमस है, एक दशहरा को मेला और एक है विभीषण को मंदिर, है ना। अरे घर पाटिया रावण मरियो तो घर रावण को घर विभीषण पाड़ियो भाई, है ना, तो विभीषण है उसका मंदिर भी यही है। श्री राम के नाम से बहुत सारे कारखाने, उद्योग, संयंत्र वो भी यही है, है ना। और रावण ने अगर आप हरावा, मारा, कूटा, जलावा तो आपनों किशो त्यौहार बनावा दशहरो। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है दशहरे पर किसकी पूजा की जाती है, तो खिचड़ी की, ठीक है। नेहर खां की जो मीनार है वो भी कोटा खुद शहर के अंदर है। कोटा की जो चित्रकारी है भी में, एक तो शिकार खेलते हुए चित्र बोलते हैं इसलिए उसको शिकार शैली भी बोलते हैं, और इसका रंग पूछता है तो तम ध्यान है कोटा के अंदर चंबल नदी जान ला रही है, और चंबल नदी के अंदर जल सबसे अधिक सही जल, आप बात करा राजस्थान की सारों बड़ी नदी, है ना, बेम सारों सतही जल की मात्रा तो चंबल में ही है, तो जल का रंग कैसा होता है नीला, इसलिए इस चित्र शैली में रंग कैसा है नीला, ठीक है ना। और इस चित्र शैली में सबसे अधिक काम हुए राम सिंह के समय, इसलिए राम सिंह को कोटा चित्र शैली का जो है वो अपने स्वर्णिम काल मान के चलते हैं। और अठे पानी ज्यादा है तो नहाण भी हुए सांगोद गो नहाण, और कांकुनी का मंदिर भी पास बना हुआ है। अठे एक परियोजना है, तीन परियोजना मुख्य है, एक तो ताखली और एक आप पढ़ांगा सावण भादो, अरे सावण भादो है बे में बादल, काला काला बादल हो गए पानी बरसे तो सावण भादो, किसी नदी पर है काला काला बादल सावण भादो हो जाए तो काली सिंध नदी पर। और इसकी दो सहायक नदियां हैं आहू और परवन, वो भी आपको याद रखनी है काली सिंध की, है ना। यहाँ ताखली परियोजना भी है, ताखली नदी भी यही है, स्ट्रा बोर्ड का एक कारखाना भी यही है, और श्री राम का नाम उठान बता दियो, खूब सारा कारखाना वगैरह है वह भी अठही है कोटा में।
और कोटा में एक सांप काट दे, कालो सांप काट दे तो काटा गठा है कोटा में, तो सर्प उद्यान गठा है कोटा। अब आप बात करें जंतुआले की, तो राजस्थान के अंदर आप जंतुआले पढ़ा जू पढ़ा, तो सारो पहलो जंतुआले आप गठ पड़ा जयपुर में और सारो लास्ट गढ़ पड़ा कोटा में, तो सारो नवीन जंतुआले है वो कोटा में है 1954 में स्वतंत्रता के बाद। अब इतना आदमी मारकूट करा तो दो चीजें जरूरत पड़ा, एक तो मांगी हड्डी टूट गया तो हड्डिया के लिए बैंक बनायो बिनका बोन बैंक यानी अस्थि बैंक, और एक इतनी मारकूट हुए तो बिन बचान खतरा पाए एक उद्यान बना दियो अहिंसा वाटिका। ठीक है, बधाना माता इतना लोगों ने कुट्टा मारी करी तो आधा भूत बन गया, और भाई भूत बन गया तो भाई फिर थान मेरा सिद्ध हैगा तो बां भूतांगी चपेट में कोई लोग आ जाते बिनका पा मूठ की चपेट में अड़ो, तो बांगो इलाज करने खतरे ठेक माता है बधाना माता। बहुत बार एग्जाम में आता है बधाना माता भी आप मूठ पीड़ित व्यक्ति को इलाज है वो कठे करावा, तो बधाना माता कंजाय करावा कोटा में बैठे भाई कूट कूट के भूत बने रहे। 1857 की क्रांति कोटा के बिना अधूरी है बेटा, कोट अधिकांश अपने जो शहर थे वहाँ राजस्थान के जो कस्बे थे राजस्थान का जो रियासतें थी वहाँ सैनिक विद्रोह हुए, लेकिन कोटा में जन विद्रोह हो कोटा में आज इतनी साक्षरता है तभी टाइम भी बहुत लोग पढ़ा लिखा हाँ, और जन विद्रोह 15 अक्टूबर को हुआ और इस जन विद्रोह में दो नेता थे जयदयाल और मेहराब खां। कितो बढ़िया कॉम्बिनेशन हो हिंदू मुस्लिम को, और जयदयाल और ये मेहराब खां है ना, और मेन टाइम कोटा को जो राजा हो वो राम सिंह द्वितीय, द्वितीय मतलब दो इन दो दो आतंकण क्रिया एक तो जयदयाल और एक मेहराब खां है ना, और पकड़ गए राम सिंह ने सड़ा मां कर दिया 6 महीना तक है ना, और बेन टाइम हटाओ पॉलिटिकल एजेंट हो वो कौन हो बटन, अरे कोट का बटन हुए नहीं तो वो बटन तोड़ दियो मां, तो बटन को काट के सिर कोटा शहर में घुमायो, ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है ना। तो कोटा इतना साक्षर था, कैफ और कोटा कैफ और कन्या, तो कन्यावध पर भी सबसे पहले रोक को लगाता है कोटा रियासत 1834 में जगत सिंह लगाता है ना। अब इतना काम करा है ना, इतो मारा कुटी कर दी तो काम कर दियो, तो नाच गानो भी हुए मांदल नृत्य और चक्री नृत्य जो को आप पढ़ा चक्री नृत्य कंजर जाति का लोग करे अभी हाड़ोती अंचल कोटा के अंदर ही है। मोखरी वंश के जो राजा हैं उनके अभिलेख भी हमें कोटा के पास एक बड़ुआ गांव है वहां से मिलते हैं, और एक बार तो ये पूछा गया कि मोखरी वंश के कितने अभिलेख अपने जो बड़ुआ गांव है वहां से मिले हैं, तो अभिलेख कितने मिले हैं बेटा 3। ठीक है, अगर अपने बात करें थोड़ी सी यहाँ राजस्थान की और अंग्रेजों की आपस में संधियाँ हुई थी खूब सारी, तो यह दूसरी रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ यहाँ सहायक संधि कौन सी सहयोग या आश्रित पार्थक्य संधि क्रिया दिनेश सबोर्डिनेट संधि करी है ना, पहली ही बात करोली और दूसरी कौन सी है अपनी कोटा रियासत है ना। और वर्तमान में अगर आप बात करें तो 8 गज का सांसद है ओम बिड़ला, वे स्पीकर है अपना लोकसभा का, राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो स्पीकर बने हैं। अगर आप थोड़ी सी बात कर लें अबली मिनी का महल, तो अबली मिनी का जो महल है वो आपको पता है मुकुंद सिंह हाड़ा आपा मुकुंदरा हिल पड़ांगा कोटा और झालावाड़ में है ना, जिसको आजकल अपने नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया है, वे बड़े शिकार खेलने जाता तो बिंगी बड़े प्रेमिका है वह अबली मिनी बिंग लिए माँ महल बनायो बिन आपा हाड़ोती को ताजमहल और राजस्थान को दूसरों ताजमहल का है ना। अगर आपने लोक अदालतें मैंने पढ़ा दी हैं, लोक अदालतें मैंने पूरी करा दी हैं वहाँ आप एनसीईआरटी में देखें, पहली लोक अदालत कहाँ बनी थी कोटा में 1975 में है ना। ये दो बार चंबल नदी है उस पर हम हैंगिंग ब्रिज बनाया हुआ है, तो ये भी एक बार पूछा गया हैंगिंग ब्रिज झूलता हुआ। और प्रथम एग्रो फूड पार्क कहाँ है रामपुर में, ये भी मैंने बताया था पहले एनसीईआरटी में। अपना जो धनिया को निर्यात जोन है नापतोल यंत्र है वह भी कटे है कोटा में, और आपको बता दूं आयात निर्यात पार्क है राजस्थान का आयात और निर्यात वो पार्क है वो भी कहाँ है कोटा में, और एक अपना हाड़ोती के अंदर पहले यातायात प्रशिक्षण पार्क भी कटे बने हो कोटा में है ना। VMOU आपने जो कि इन कोटा खुला विश्वविद्यालय भी बोला वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी 1987 में कटे स्थापित होगी राजस्थान की मात्र एक यूनिवर्सिटी जो पत्राचार से अपना पाठ्यक्रम पूरी करती है। और ब्लैक पोटरी यानी ब्लैक पोटरी यार ब्लैक मतलब काला काफ कोटा, तो का से का मिला देंगे ब्लैक पोटरी ब्लू पोटरी कई बार पूछे अपन ठीक है पेपर पोटरी अपन ध्यान रखें। चंबल नदी है चंबल नदी है वो क्या है कि जैसे ही मैदानी भागों में प्रवेश करती है कोटा से तो कोटा के अंदर, और आप देखते हैं कि चंबल नदी है वो अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी भी उत्कात भूमि के लिए बहुत प्रसिद्ध है, जल के द्वारा भूमि को काटती भी चलती है तो गहरी खाइयां गोर्ज बन जाते हैं है ना, इसको अपने बोलते हैं ऊर्ध्वाधर या लंबवत जल अपरदन है ना, और बेडलैंड टोपोग्राफी बोलते हैं इसको उत्खात भूमि बोलते हैं। ठीक है, थोड़ी सी अपन नक्शा के अंदर बात कर लें तो अपने कोटा के पास ही चार
चौमा शिवालय का मंदिर है जो बहुत पुराना शिव जी का मंदिर है, चौथी पांचवी सदी का। छत्र विलास का उद्यान है, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्यान है। रथ कांकरा जगह को नाम है, बैठक गेपरनाथ शिवालय है और कर्णसुवा शिवालय। प्रश्न पूछा गया कर्णसुवा का कर्णसुवा मंदिर है वो किस देव को समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। और कैथून के बिना कोटा की बात अधूरी है क्योंकि कोटा श्री राम और रावण के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ कैथून में अपने विभीषण का मंदिर और कोटा डोरिया की साड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चंबल नदी के ऊपर हमने दो बांध बना रखे हैं, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज। तो जो यहाँ चंबल नदी की पूरी चंबल नदी में कोटा जवाहर इनके अंदर से जल अभयारण्य बना रखा है, उसको कहते हैं अपने चंबल घड़ियाल अभयारण्य। और ये घड़ियालों का संसार है, यहाँ जलीय जीव में डॉल्फिन भी मिलती हैं और गांगेसोस और उदबिलाव, ये यहाँ के जलीय जीव हैं। गड़ेपान में संबल फर्टिलाइजर्स का कारखाना है। उम्मीद करता हूँ कि जो अपना कोटा जिला है वो यहाँ पर अपने MCQ डाले हैं, आप इसको देख करके जरूर बताएं कि कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे, है ना। अरे नानो नानो कुटो तो न्यून और अभिनहरी, है ना, कद बड़े होते बताइयो। ब्लू ब्लैक पोट्री ताकली महिला साक्षरता कोटा को संस्थापक दशहरा पर किस पेड़ की पूजा होती है, चक्री नृत्य और कंसवा का मंदिर और विभीषण का मंदिर, ये आप मुझे कमेंट में बताएं। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो जिला दर्शन की मुख्य उद्देश्य है, NCERT का जो मुख्य उद्देश्य है सार संग्रह और साथ में शिक्षण विधियां भी हमारी चल रही हैं, एक प्रकार से रीट और PSI पे पूर्णतया फोकस करते हुए सिलेबस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी इसमें सहयोग करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।